एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंसान के जीवन में पढ़ाई बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे जिंदगी में कुछ रहे या न रहे, ज्ञान हमेशा साथ रहता है और यही इंसान को आगे लेकर जाता है। कई देशों में बच्चों के पढ़ने के लिए उचित सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे खतरों और मुसीबतों का सामने करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। माँ बाप भी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तमाम खतरों के बावजूद उन्हें स्कूल भेजते हैं। आगे देखें विभिन्न देशों की कुछ फोटोज जिनमें बच्चे स्कूल तक का सफर तय करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। नेपाल की राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार वहां 66% बच्चे ही पढ़ाई शुरू कर पाते हैं और बाकी 34% तो स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाते। लेकिन 2011 के बाद नेपाल ने कई नए कदम उठाए ताकि उसकी साक्षरता दर बढ़े और उनका फायदा अब नजर आने लगा है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चियां रस्सी की मदद से नदी को पार कर रही हैं।